नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग। ये नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों पर। शिव की नगरी काशी में गंगा का रौद्र रूप जारी है। काशी में गंगा खतरे के निशान 71.26 को पार कर चुकी है। गंगा के रौद्र रूप के साथ ही साथ उनकी सहायक नदियां वर्णा और असी नदी भी उफान पर है। गंगा विश्वनाथ कॉरिडोर की ओर बढ़ चली है। ललिता घाट से विश्वनाथ मंदिर आने वाले मार्ग पर पानी पहुंच चुका है। हालांकि अभी विश्वनाथ कॉरिडोर से गंगा लगभग 4 मीटर की दूरी पर है। बाढ़ का पानी बढ़ने से वहां फंसे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से ग्रसित इलाकों की बिजली कट चुकी है, जिस कारण लोग अंधेरे और गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर पीने के पानी की भी काफी दिक्कतें हो रही है। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पानी जो जो बढ़ रहा है, लोग घर खाली कर रहे हैं। हालांकि सरकार व समाज सेवी के साथ साथ राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने स्तर से बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचा रही है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, कमिश्नर दीपक अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के साथ साथ एनडीआरएफ के जवान लगातार बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। बाढ़ राहत शिविर में रह रहे लोगों को वर्तमान के साथ ही भविष्य की चिंता उन्हें घेरते जा रही है। खतरे के निशान को पार करने के बावजूद जल स्तर में बढ़त लगातार जारी है। राहत की खबर यह है कि पिछले 24 घंटों से गंगा का जल स्तर स्थिर है और 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे रफ्तार से गंगा का पानी घट रहा है। हालांकि अभी भी गंगा खतरे के निशान 71.26 से 71 सेंटीमीटर ऊपर है। आज की खबर में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।